hello my dear students welcome to mathematics class dear students we are doing unit 11 algebra of your ncert book and today in this video we are going to start 11.4 exercise in which we will deal with the practical applications practical applications means the statement questions in which a statement is given to us and we will reduce that statement into an expression but before starting this exercise dear students i want to introduce you some operators mathematical operators against the statements so here you can see these are the points to remember here one column is statement and other is operator Dear students, this cloud, this table will help you to uh, convert a statement into an expression. Now, in uh, mathematics, few English words are there which uh, means different in mathematics. Like the very first word is term times. Time. Time ka matlabne abitak pada. बट इन टाइम्स के लिए हम के ऑपरेटर यूज करते हैं मल्टीप्लाई टाइम्स वर्ड आ जाए या ऑफ आ जाए फॉर दीज वर्ड्स इन मैथमेटिक्स देयर मीनिंग इज टू मल्टीप्लाई लाइक थ्री टाइम्स अ बर्ड इज हायर सो थ्री टाइम्स बोला है तो उसमें क्या आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाय देन

then next very important uh, word which we use to see in statement questions is exceeds तो so exceeds के लिए बेटा हम दो mathematical operator use करते हैं एक equal to और plus पहले हम equal to का ka use करेंगे then plus और यहाँ पर obviously कोई number आएगा यहाँ कुछ number आएगा यहाँ कुछ number आएगा तो वो हमें question में given होगा उससे पता चलेगा then the fifth one is

तो टू मल्टीप्लाइड बाई सिमिलरली थ्राइस थ्राइस मीन्स थ्री मल्टीप्लाइड बाय मीन्स थ्री टाइम्स तो उसमें हम क्या करेंगे थ्री मल्टीप्लाई मीन्स मल्टीप्लीकेशन टाइम्स वर्ड के लिए मल्टीप्लाई ट्वाइस है तो टू आ जाएगा थ्राइस है तो थ्री आ जाएगा इसी तरह फोर मल्टीप्लाई के लिए फोर टाइम्स फाइव टाइम्स वी यूज दीज वर्ड्स सो दीज आर द statement words which we deal in the statement questions and these are the mathematical operators dear students make this table in your notebook also before starting this exercise so now let's start with question number 1 of 11.4 exercise now dear students first question 11.4 exercise <clears throat> answer the following take sarita's present age to be y years तो एज वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो इसमें बोल रहे हैं कि सरिता की प्रेजेंट एज हम वाई ईयर्स मान लेते हैं व्हाट विल बी हर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो बेटा अब एक तो हमें इंग्लिश समझ में आनी चाहिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंग्लिश व्हाट विल बी हर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ बट समाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है विल बी विल बी इज़ यूज इन फ्यूचर टेंस विल बी किस में यूज़ किया जाता है फ्यूचर में तो अगर आपकी मैं पूछूं कि वॉट विल बी योर एज आफ विल बी योर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो पाँच साल के बाद आपकी कितनी होगी फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट इफ़ यू आर ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड तो वॉट विल बी योर एज विल बी योर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ तो क्या करोगे आप ऐड कर दोगे मीन्स ट्वेल्व प्लस फाइव सेवेंटीन ईयर्स तो अगर आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेक कर सकते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है तो विल बी के लिए हम एज को ये जो एज है ये हम प्लस कर देंगे तो उसकी एज अगर अभी वाई ईयर्स है तो उसमें फाइव ईयर्स ऐड कर देंगे सो हर एज आफ्टर फाइव ईयर्स विल बी वाई प्लस वाइव वॉट वॉज हर ऐज थ्री ईयर्स बैक अब बैकवर्ड से भी हमें पता चल रहा है कि तीन साल पहले की एज पूछें लाइक इफ़ यू आर ट्वेल्व ईयर्स नाउ अगर आपकी एज ट्वेल्व ईयर्स है तो तीन साल पहले कितनी थी तो आप थ्री ईयर्स माइनस कर देंगे यू विल टेल दैट योर एज थ्री ईयर्स बैक योर एज विल भी तो ट्वेल्व माइनस थ्री कर देंगे ट्वेल्व माइनस थ्री करके नाइन ईयर्स आएगा तो इसी तरह अगर उसकी प्रेजेंट एज वाई है तो वाई माइनस थ्री कर देंगे तो बैक से भी हमें समझ आ रहा है बीत चुका है पहले की बात कर रहे हैं नाउ ग्रैंडफादर ग्रैंड फादर की बात कर रहे हैं इज इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं फॉर इज वी यूज इक्वल टू साइन इसके लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं इक्वल सरिताज ग्रैंड फादर इज इसके लिए क्या लिखोगे तो हम देखो ऐसे बनाएंगे ग्रैंड फादर इज इसके लिए क्या आ जाएगा इज इक्वल टू देन सिक्स टाइम्स तो सिक्स टाइम्स के लिए क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय हर एज हर एज उसकी एज हमने कितनी मानी है वाई ईयर्स तो ग्रैंड फादर इज सिक्स टाइम्स हर एज तो क्या आ जाएगा ग्रैंड फादर की एज कितनी आ जाएगी सिक्स इन टू वाई सिक्स वाई राइट एंड वॉट इज ग्रैंड मदर्स तो वॉट इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर की एज हो गए सिक्स फाइव नाउ आगे ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं तो ग्रैंड मदर के लिए जी एम लिख लेते हैं ग्रैंड मदर इज अगेन इज के लिए क्या आता है साइन इक्वल टू आपको अभी मैंने बताया था टेबल में इज टू ईर्स यंगर तो टू ईयर्स यंगर यंगर क्या मतलब होता है यंगर का मैंने बताया था क्या साइन था तो यहाँ यंगर के लिए देखो बेटा मैंने क्या बताया था माइनस साइन तो यंगर के लिए हम माइनस साइन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर इज़ फॉर इज इक्वल टू टू इयर्स यंगर टू ईयर्स यंगर तो माइनस साइन पहले आएगा कि दो साल छोटी है तो माइनस साइन देन द्रैंड दे फादर एज तो यहाँ किसकी एज से ग्रैंड फादर की एज से छोटी हैं वॉट इज ग्रैंड मदर्स एज यहाँ पूछा है वॉट इज ग्रैंड मदरस एज तो ग्रैंड मदर की एज कितनी आएगी ग्रैंड फादर की एज हमारे पास सिक्स वाई है तो ग्रैंड फादर की जगह हम वो लिख देंगे तो ग्रैंड मदर की एज कितनी आ गई सिक्स वाई माइनस टू राइट ना नेक्स्ट इज सरिताज फादर एज इज अब फादर की बात कर रहे हैं तो हम एफ लिख लेते हैं सरिताज फादर एज इज इज के लिए क्या लगा दें इज इक्वल टू फाइव इयर्स मोर देन फाइव ईयर्स मोर देन मोर देन के लिए हम चेक कर लेते हैं कौन सा साइन है मोर देन के लिए कौन सा साइन है प्लस साइन सो फादर इज फाइव इयर्स मोर देन मोर देन मोर देन के लिए प्लस साइन थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई बै सरिताज एज सरिता की एज हमने कितनी मानी हुई है भाई सो वॉट इज़ हर फादर एज तो फादर की एज कितनी आ जाएगी थ्री इंटू वाई थ्री वाई प्लस फाइव ईयर्स तो यह फादर की एज आ जाएगी आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू लेट मी एक्सप्लेन यू वन सकेंड ग्रैंड फादर इक्वल टू के लिए होता है इज ग्रैंड फादर इज सिक्स टाइम्स टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई हर एज हर कौन है सरी था जिसकी एज हमने वाई मानी है तो ग्रैंड फादर की एज आ गई सिक्स इंटू वाई सिक्स वाई नाव ग्रैंड मदर इज फॉर इज इक्वल टू टू ईयर्स यंगर टू ईयर यंगर यंगर के लिए माइनस नाइन किससे छोटी हैं ग्रैंड फादर से तो ग्रैंड फादर की एज हमारी कितनी है सिक्स वाई वो ग्रैंड फादर की जगह लिख देंगे हम तो ग्रैंड मदर इज सिक्स वाई माइनस टू ईयर नाउ फादर इज इज के लिए इज इक्वल टू फाइव ईयर्स मोर देन फाइव ईयर्स बड़े हैं किससे 3 times Sarita's age. 3 times means multiply Sarita's age y. So 3 into y, 3y plus 5. This will give you father's age. So I hope it is clear to you. So let us see how to write the answers to this question. So, dear students, in this way, write all the question answers. Let Sarita's present age is equal to y is. वॉट विल be हर एज फाइव ईयर्स फ्रॉम now? तो पाँच साल के बाद कितनी होगी अगर अभी वाई है पाँच साल के बाद फाइव ईयर्स एड हो जाएंगे वाई प्लस फाइव ईयर्स वाट वॉज हर एज थ्री ईयर्स बैक तो तीन साल पहले पहले के लिए माइनस करेंगे तो आ जाएगी वाई माइनस थ्री ईयर्स सरीता इज ग्रैंड फादर इज़ सिक्स टाइम्स हर एज वॉट इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर इज इसके लिए इज़ इक्वल टू सिक्स टाइम्स टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई हर एज हर एज मीन सरीता की वो हमने वाई मानी है तो सिक्स वाई देअ ग्रैंड फादर इज इक्वल टू सिक्स वाई ग्रैंड फादर एज इज़ इक्वल टू सिक्स वाई यूनिट लिखना ना भूलें ग्रैंड मदर इज टू ईयर्स यंगर ग्रैंड मदर इज टू ईयर्स यंगर के लिए माइनस साइन देन ग्रैंड फादर वॉट इज ग्रैंड मदर्स एज ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू यहाँ ग्रैंड फादर की एज हमारी कितनी आई थी सिक्स वाई वो इसकी जगह लिख देंगे तो सिक्स वाई माइनस टू ईयर्स इज द ग्रैंड मदर्स एज father is फादर एज फादर इज के लिए इज इक्वल टू फाइव ईयर्स मोर देन मोर देन के लिए प्लस फ्री टाइम सरिताज एज एस इज़ फॉर सरिताज एज तो सरिता की एज हमने कितनी मानी हुई है वाई वो यहाँ पुट कर देंगे थ्री इंटू वाई प्लस फाइव ईयर्स सो इन दिस वे डू दिस क्वेश्चन इन योर नोट बुक आई होप इट इज क्लियर टू यू थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स